हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, इसमें लगने वाली सारी सामग्री मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है, तो प्लीज़ घर में रखे सामान से ही बन जाती है। तो प्लीज़ वीडियो, तो आइए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, इसमें हम आधा लीटर दूध डालेंगे। इसी में मैंने थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, इससे क्या होगा कि खुशबू और कलर दोनों ही आ जाएंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो। यहीं पे मैंने 4 चम्मच शक्कर डाल दी है, शक्कर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो शक्कर को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी में मैं डाल दूँगी लगभग 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या है कि हमारी मिठाई जो हम बना रहे हैं गुलाब जामुन वाली रसमलाई, इसमें हलवाई जैसा स्वाद आ जाएगा, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो उसी तरह से हम मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिला लेंगे। इसी तरह हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे मीडियम लो पे। तो हम फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 150 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे पनीर को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा पनीर इस तरह से कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह दूध का छेना फाड़ के भी बना सकते हो। पनीर से क्या है, आसान से बन जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सूजी ली है बारीक वाली। यहीं पे मैं 1 चम्मच आटा डाल रही हूँ गेहूं का, जो हम रोटी बनाते हैं बस वही वाला है 1 चम्मच, जो हम नाश्ता करते हैं वो वाली चम्मच। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस एक डो की तरह हम इसे तैयार कर लेंगे। पनीर को हम इसी तरह हथेली से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि आपके हाथ चिकने होने लगेंगे, जिससे लग रहा है कि हमारे हाथ में घी छोड़ने लगा है। तो हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम छोटी छोटी इसकी बॉल बना लेंगे। आप छोटी बड़ी बॉल बना सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ इस तरह से बनाई है बॉल को। तो देखिए हमारी बॉल अच्छे से बन गई है। हमने इसमें आटा इसलिए डाला है क्योंकि इसमें फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो हमारी बॉल सारी बन चुकी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल को गरम रख दिया है। इसमें मैं छोटी बॉल डाल के देख रही हूँ कि हमारा तेल गरम अच्छे से हुआ है या नहीं। हमें तेल को अच्छा गरम करना है और हमें मीडियम लो पे से पकाना है 3 से 4 मिनट तक। तो हम इसे थोड़ी थोड़ी करके सारी टिक्कियाँ इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसे उलट पुलट कर देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो हमारी टिक्किया बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारी जो बची हुई बाकी की टिक्किया, हम उसे भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और हमारी रबड़ी भी देखिए गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी में मैं डाल रही हूँ लगभग 1/2 चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब इसमें हम जो हमने टिक्किया फ्राई की थी वह इसमें डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे से अंदर तक रस भली मिठाई जो होती है ना उस तरह से, तो बिल्कुल अंदर तक रस भर जाएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए एकदम फूली फूली हमारी मस्त बनी है, अंदर तक एकदम रसीली दूध भरा है। बहुत ही शानदार और लाजवाब मिठाई है। इसे आप पहली बार में ही बहुत बढ़िया बनेगी। इसको बनाना इतना आसान है जो सबको पसंद आएगी, ना रसमलाई ना गुलाब जामुन। बहुत ही बढ़िया मिठाई है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं घर में रखे सामान से ही, आप जिसे आप कभी भी बना सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिठाई को आप घर पे बहुत कम समय में भी बना सकते हो। और यह उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई, इसको बोलते हैं रसबली। तो बहुत ही स्वादिष्ट है यह मिठाई। तो आप भी बनाएं यह रेसिपी, अपने परिवार और बच्चों को भी खिलाएं। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।